जो लॉकडाउन किया गया था उससे बड़ी तकलीफ उठाना पड़ी है, और साथ साथ ये इन्फॉर्म भी उन्होंने किया है कि कोरोना वायरस कहीं नहीं जाने लगा, हमें इसके साथ ही गुजारा करना होगा और गरीब लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको भी मद्देनजर रखना होगा। क्या आपको लगता है कि वजीर आजम का ये जो फैसला है मौजूदा हालात गिवन द सिनेरियो, और जिस तरह की हमें अब एक हाइक नजर आ रही है कोविड-19 के पेशेंट्स की, इन मौजूदा हालात के मुताबिक क्या ये डिसीजन जो है ये दुरुस्त है? रमन रही देखिए नीलम, सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे अफसोस हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब की इस स्टेटमेंट पे। सबसे पहले तो वो इस तरह की कंट्रोवर्शियल बात कर देते हैं या इस तरह की स्टेटमेंट दे देते हैं कि बंदे की जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए और जो उनकी इनकॉम्पिटेंसी है उस पर कोई बात ना कर सके। सबसे पहले तो बात आती है कि इन्होंने जो शुरू किया था लॉकडाउन की अनाउंसमेंट वो कितना जल्दी किया था, क्योंकि 26 फरवरी को फर्स्ट केस डायग्नोज हुआ था। उसके बाद इन्होंने लॉकडाउन का कब अनाउंसमेंट किया और लॉकडाउन हुआ किस तरह से, फिर बीच में इनका जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन आ गया। अब इन्होंने ये बोल दिया है कि मुझे ये इंडस्ट्रीज या कंस्ट्रक्शन बंद नहीं करनी चाहिए थी। तो कंस्ट्रक्शन जो है वो कौन करता है? कंस्ट्रक्शन के लिए भी आपको लेबर चाहिए होता है, तो क्या लेबर जो है वो इस SOPs को फॉलो कर रहे हैं? इतनी गर्मी में अगर आप लेबर को ला रहे हैं तो क्या आप SOPs फॉलो करवा सकेंगे? क्या वो इस तरह से मास्क पहन के ग्लव्स पहन के काम कर सकेंगे कंस्ट्रक्शन में? और आप ये देखें कि कितने सारे केसेस हैं जो अभी, पहले कितने थे, पहले हम आप शुरू में ही बात हुई है कि पहले हम 100 में या फिर कुछ गिनती के डबल डिजिट में बात कर रहे थे, लेकिन अब जो है हम 1000s में बात कर रहे हैं।